गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने जो लास्ट क्लास हुई थी साइकस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का हमने अध्ययन किया था, उसके बाद में हमने इंटरनल मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी और उसमें रूट्स का ट्रांसवर्स एक्शन का हमने अध्ययन किया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक चलता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, तने की आंतरिक संरचना। तने की आंतरिक संरचना, जैसा कि हम देखते हैं कि जो तना है अगर उसका ट्रांसवर्स एक्शन अगर हम काटेंगे, अनुप्रस्थ काट अगर उसका काटेंगे तो वो सिलेंड्रिकल राउंड शेप में गोलाकार होता है, और उसका अगर हम इसको लीनियर डायग्राम से अगर देखना चाहें तो लीनियर डायग्राम से इस टाइप में इसकी ट्रांसवर्स एक्शन आता है। इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजिक स्टडी के लिए जो अध्ययन है निम्न पॉइंट्स या विभिन्न निम्न बिंदुओं के तहत हम अध्ययन करेंगे, इसमें पहला जो आता है वो होता है क्यूटिकल। स्टेम जो होता है, तना होता है, तने के सबसे बाहर का जो जो प्रोटेक्टिव जो घेरा होता है, उसका जो सुरक्षात्मक जो आवरण होता है वह क्यूटिकल के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार से जैसे कि इस डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायग्राम में सबसे बाहर जो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट क्या होगा, क्यूटिकल। तो इस प्रकार से ये जो क्यूटिकल है, इस क्यूटिकल ये क्या करते हैं, पानी का जो बाहर है वाष्पोषण है, पानी का बाहर निकलना है, इसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और बाह्य जो विभिन्न प्रकार के प्रेशर्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, जैसे मान लीजिए अधिक दाब, हवा, पानी, उससे भी इसको सुरक्षा करने का कार्य ये क्यूटिकल करते हैं। क्यूटिकल के बाद में जो नेक्स्ट जो इसका भाग आता है वो होता है एपिडर्मिस, अधिचर्म। ये जो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस क्यूटिकल के अंदर होती है और एक कॉर्टेक्स को घेरे हुए होती है। एपिडर्मिस एक लेयर, मतलब वन लेयर, टू लेयर या मल्टी लेयर हो सकती है। मतलब शुरुआत में जो यंग स्टेम होता है, उस यंग स्टेम में जो एपिडर्मिस होते हैं वन लेयर होते हैं, एक स्तरीय एपिडर्मिस होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस को कवर्ड की हुई है। और एपिडर्मिस जो होते हैं वह एक प्रकार से जो गोलाकार जो जो कोशिकाएं होती हैं, राउंड शेप कोशिकाएं होती हैं, उनकी बनी हुई होती है। एपिडर्मिस में के बाद में आता है अपना कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये जो पार्ट होता है, ये एपिडर्मिस से घिरा हुआ जो पार्ट है, मतलब कॉर्टेक्स एक प्रकार से जो स्टील, मतलब रंभ और एपिडर्मिस के बीच का जो भाग होता है वह कॉर्टेक्स होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कॉर्टेक्स, ये इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनाते हैं। इस कॉर्टेक्स के अंदर कुछ कुछ इस टाइप में जो गोलाकार, ये मैंने दिखा रखी आपको, ये म्यूसिलेजिनस डक्ट होती है जो कि म्यूसिलेज स्रावित करने वाली नलिकाएं म्यूसिलेज का श्रवण करती है। तो इस प्रकार से ये कॉर्टेक्स की संरचना पाई जाती है। कॉर्टेक्स के बाद में नेक्स्ट आता है स्टील रंभ। स्टील में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो राउंड शेप में ये जो संरचना जो दिखाई दे रही है, ये इसका स्टील पार्ट बनाते हैं, जिसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पित्त होता है और मेडुलरी रेज होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें ये भाग जाइलम का है और ये जो भाग है ये फ्लोएम का है। जैसे कि मैंने ये दिखा रखा है, ये जो भाग है ये फ्लोएम का दिखा रखा है और ये जो भाग है ये जाइलम का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, और बीच में इस प्रकार की ये जो जगह, ये जो पार्ट होता है, ये जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, द्वितीय ग्रोथ स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बन जाती है। इसी प्रकार से दो जाइलम फ्लोएम, ये जो बीच वाला भाग है, इसमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक कैम्बियम वाला पार्ट हो गया आपका, और ये जाइलम और फ्लोएम हो गया। जो यहाँ पर जो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में सॉरी जो जाइलम जो होता है, जाइलम एक प्रकार से यहाँ पर अंतर आदिदारों प्रकार होता है, एंडार टाइप का होता है,
तो एंडोटाइप जो जाइलम होता है वो एंडोटर्फ जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर होता है और सेकेंडरी ग्रोथ के मतलब जो मेटा सॉरी जो मेटाजाइलम होता है वो बाहर की ओर होता है, परिधि की ओर होता है, ये जो परिधि भाग है उसकी ओर होता है। इस प्रकार से और बीच में जो पार्ट होता है ये पार्ट कहलाता है पित्त। क्या कहलाएगा? ये पित्त कहलाएगा। इस स्टेम में कुछ जगह जैसे मान ये दिखा रखा मैंने आपको, ये जो ये संरचना होती है लीफ ट्रेस। क्या कहलाती है? लीफ ट्रेस। इसी प्रकार से जो लीफ बेस जहां पर लगती है स्टेम में वो जो संरचना कहलाते हैं लीफ स्कार। क्या कहलाएगा? लीफ स्कार। और ये लीफ ट्रेस होते हैं, लीफ ट्रेस का जब देखते हैं तो लीफ ट्रेस में इनडायरेक्ट ट्रेस होते हैं दो, जो कि पार्श्व भाग से जुड़े होते हैं स्टील के, मतलब जो स्टील होता है जो जैसे कि मान लीजिए ये स्टील है, इस स्टील का ये वाला भाग और ये भाग ये इस प्रकार से ये जो जुड़ रही है ये तो कहलाते हैं इनडायरेक्ट ट्रेस, और डायरेक्ट ट्रेस जो स्टील से डायरेक्ट यहां इनको जोड़ती है ये डायरेक्ट ट्रेस होते हैं और ये आपका स्टील पार्ट होता है। इस प्रकार की संरचना लीफ ट्रेस की होती है। फिर हम आते हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीय वृद्धि किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि हम देखा मानते हैं जो जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें उड़ी मतलब उड़ी टाइप के होते हैं, कास्टीय प्रवृत्ति होते हैं और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, और की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो डाइकोटिलेडंस जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके समकक्ष होती है। जैसे कि जब भी इनमें जब सेकेंडरी ग्रोथ में प्रेस करेगा तो ये जो दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये भाग होता है ये कैम्बियम इंटर इंट्रा मतलब दोनों फेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होता है जाइलम और फ्लोएम के, और दोनों जो बंडल ये है इन दोनों के बीच में दो जाइलम पुलों के मध्य इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होता है। जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इनमें बनने वाला जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो अंदर की होता है और बाहर की ओर फ्लोएम होता है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस कैम्बियम के द्वारा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में अंदर तो जाइलम का निर्माण हो जाएगा, बाहर फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। और जहां पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या करती है? अंदर की ओर मेडुलरी रेस का निर्माण करती है, मज्जा रश्मियों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद में अपने आता है लीफ, पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। लीफ में हमने जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि दो भाग होते हैं, एक भाग रेकिस का होता है और दूसरा भाग होता है लीफलेट्स का। जो रेकिस का जो भाग होता है, रेकिस के भाग में जब उसके हम अध्ययन करते हैं उसका लगभग इस प्रकार से संरचना बनती है, तो वहां पर रेकिस का जो भाग होता है ये जो भाग है ये भाग रेकिस से अगर इसको देखते हैं हम, ये तो वर्टिकल सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर इसको देखते हैं तो ये भाग एक प्रकार से ये रेकिस ही है। और ये जो रेकिस है इस रेकिस में क्या होता है, जो ग्राउंड टिश्यूज होता है उन ग्राउंड टिश्यूज में बहुत सारे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं और ओमेगा सेप्टम होते हैं। किस सेप्टम होंगे? ओमेगा सेप्टम में वहां पर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स वहां पर पाए जाते हैं। बाकी वैसे जैसे मान लिया बाहर एपिडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगी, वो संरचना सेम वेजिटिस के पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो आता है लीफलेट्स, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफलेट। जो लीफलेट जो होता है वो लीफ का भाग होता है, लीफ प्लेट का जब हम एक वर्टिकल सेक्शन जिन्हें आपको यहाँ पर शो किया है, एक वर्टिकल सेक्शन दिखा रहा है कि कैसे इस प्रकार से हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर की पाई जाती है, सिंगनुमा संरचना इसकी पाई जाती है। और जब इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं तो निम्न पॉइंट्स के अध्ययन करेंगे। सबसे बाहर होती है क्यूटिकल, जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा है ये जो भाग है, ये जो बार जो राउंड बार सबसे बाहर आउटर लेयर जो होगी वो आउटर लेयर होते हैं क्यूटिकल। क्या होगी वो? क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या करते हैं, पूरा जो इसका लीफ से सरफेस होता है उसको क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। फिर उसके नीचे जो भाग आता है वो एपिडर्मिस का आता है। कौन सा आगा? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस यहाँ पर दो एपिडर्मिस होते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, मतलब ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म। जिस प्रकार से अपर दो एपिडर्मिस यहाँ पर होते हैं, लोअर और जो
लोअर एपिडर्मिस होते हैं, इस लोअर एपिडर्मिस में नीचे की ओर क्या होता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा के माध्यम से यहाँ पर दिखा रखा है, ये जो है ये क्या, इनके जो मध्य जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी एपिडर्मिस कंप्लीट होते हैं, नीचे लोअर एपिडर्मिस होते हैं और अपर एपिडर्मिस होते हैं। और इनकी जो सेल्स का जो साइज होते हैं, इनकी कोशिकाओं की संरचना होती है, वो एक आयताकार होती है। तो इस प्रकार से इसकी एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के नीचे जो नेक्स्ट इसका पार्ट आता है वो हाइपोडर्मिस। ये जो भाग है, ये जो भाग मैंने ग्रीन जो एरिया से माध्यम से दिखा रखा है, ये भाग होता है हाइपोडर्मिस। क्या होता है ये, हाइपोडर्मिस। और ये जो सेल्स होती है वो स्क्लेरन काइमेटस होती है, मतलब स्क्लेरन काइमा दृढ़ोत्तकीय बनी होती है, दृढ़ोत्तकीय टिश्यूज की बनी होती है, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज की ये बनी होती है। फिर उसके बाद में अंदर जो आता है वो कॉर्टेक्स का पार्ट आता है। ये जो भाग है, ये भाग क्या है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। क्या ये, कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में एक का यहाँ थोड़ा विभेदन होता है, विभेदित कोशिकाएं पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। जो बाहर का जो भाग होता है वो पेलिसाइड टिश्यूज का बना होता है। जैसे मान लो ये दिखा रहा है मैंने आपको, ये दिखा रहा है, ये क्या होता है, पेलिसाइड टिश्यूज होते हैं। पेलिसाइड टिश्यूज कर दो या पेलिसाइड कॉर्टेक्स कर दो, तो इनमें क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक इनमें पाया जाता है। और इस प्रकार से ये इसकी संरचना को ग्रीन हरा रंग प्रदान करता है। इस पेलिसाइड कॉर्टेक्स के अंदर, पेलिसाइड टिश्यूज के नीचे जो ये जो भाग होता है, ये गोलाकार कोशिकाओं का बना होता है, राउंडेड शेप सेल्स का बना होता है, और इसको हम स्पॉन्जी टिश्यूज हम कहते हैं। क्या कहें इसको, स्पॉन्जी टिश्यूज। ये जो स्पॉन्जी टिश्यूज के माध्यम से भी फिर इसमें एक लेयर का निर्माण होता है। जो पेलिसाइड टिश्यूज, जो कॉर्टेक्स का जो पेलिसाइड भाग होता है, ये अपर एपिडर्मिस की ओर होता है, लोअर एपिडर्मिस की ओर इसमें केवल स्पॉन्ज टिश्यूज ही यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा ये जो पार्ट है वही हाइपोडर्मिस का भाग होता है। तो इस प्रकार से इनकी कॉर्टेक्स की संरचना यहाँ पर पाई जाते हैं। कॉर्टेक्स में किस प्रकार से विभेदन होता है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो स्पॉन्ज टिश्यूज हैं, स्पॉन्ज टिश्यूज जो मैंने आपको दिखाए, ये एक प्रकार से इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज के रूप में कार्य करता है, संचरण उत्तक के रूप में कार्य करता है। ये क्या करते हैं, जल को, जो पानी होता है इसको लेटरल मतलब पार्श्विक रूप से, सम पार्श्विक रूप से बाहर, जो लेटरल जो पार्ट्स होते हैं टिश्यूज के, वहां पर पानी पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमने बंडल शीथ। बंडल शीथ, जो बंडल शीथ की हम संरचना देख रहे हैं, इस प्रकार की संरचना ग्राउंड बंडल शीथ दिखा रखा है। ये जो बंडल शीथ है, बंडल शीथ में दो पार्ट होंगे, फ्लोएम नीचे की ओर, जाइलम ऊपर की ओर। गलत, लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है, और अपर एपिडर्मिस की तरफ क्या होता है, जाइलम होता है। तो जाइलम, जैसा कि मैं फ्लोएम है, इस फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती है, साई कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, ट्रेकिट्स यहाँ पे पाई जाती है, वाइनिका यहाँ पे पाई जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है, तो कंपेनियन सेल एब्सेंट होने के कारण से यहाँ पर इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाया जाता है, उसके समकक्ष, उसके समान यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज यहाँ पर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जाइलम। जाइलम में यहाँ पर विभेदन पाया जाता है, डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है। जो जाइलम, इसमें दो प्रकार का जाइलम यहाँ पर पाया जाता है, एक तो सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल। जो सेंट्रीपिटल जाइलम होता है वो अंदर की ओर होता है, और परिधि की ओर जो जाइलम होता है वो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला जो ये जाइलम का पार्ट है दोनों, ये ऊपर वाला, तो ये जो पार्ट है, ये जो भाग होगा, ये होगा सेंट्रीपिटल। क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल जाइलम होता है। और ये जो भाग होता है, जो कि परिधि की ओर होता है, इस अपर जो एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस की तरफ जो होता है, उसको हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम उसे हम कहते हैं। और इस प्रकार से जो लीफ होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर बनती है। इस डायग्राम जैसे डायग्राम है, इस टाइप में इनके डायग्राम बनते हैं। ये तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ यंग स्टेम, तना होता है, उस तने का ट्रांसवर्स सेक्शन शो कर रहा है,
और ये जो भाग होता है जो कि रेकिस से जुड़े होते हैं लीफ में, लीफ लेट वाला पार्ट होता है, और इसका वर्टिकल सेक्शन हमने दिखाया है। थैंक यू।